now I am going to use my gloves because we have to protect your hand. So hey YouTube family, welcome or welcome back to my YouTube channel. And yeah, for the first time I am decided to color my hair, which is very scared for me because इससे पहले ना तो मैंने अपना हेयर कलर कभी किया है एंड ना ही किसी टाइप की मेहंदी यूज़ की है इन माई हेयर. सो ये मेरे लिए थोड़ा ज़्यादा नर्वस है, बट मैंने सोचा क्यों ना एक हेयर कलर किया जाए, बिकॉज मैं बहुत दिनों से मतलब सोच रही थी हेयर कलर करने के लिए. तो बहुत लोगों से मैंने सजेशन लिया रिगार्डिंग हेयर कलर कि अगर आप फर्स्ट टाइम अपने बालों को कलर करते हैं तो उससे क्या इफेक्ट आ सकता है आपके बालों पर एंड इज़ इट सेफ और नॉट, ये सारी चीज़ें. बट बहुत लोगों ने मुझे रिकमेंड किया, माय फैमिली माय फ्रेंड्स, कि ठीक है आप मतलब फर्स्ट टाइम जो है अच्छे प्रोडक्ट्स यूज़ कर सकते हैं एंड उसके बारे में आप यूट्यूब से या गूगल पे सर्च कीजिए रिगार्डिंग से मतलब दैट प्रोडक्ट कि वो प्रोडक्ट जो है अच्छा है कि नहीं है. बालों को एज अ फर्स्ट टाइम कलर कर रही हूँ तो अपने बालों को मतलब बहुत ज़्यादा डैमेज ना करने के लिए और डैमेज से अपने बालों को प्रोटेक्ट करने का लिए कलर नेचुरल क्रीमी रिच नरिशिंग परमानेंट हेयर कलर, जिसमें मेरा लाइट ब्राउन शेड है विथ 5.32 जो कि नो एमोनिया है, 8% इंस्टेंट कलर, 100% ग्रे कवरेज, वेगन फॉर्मूला. तो ये सारी चीज़ें हैं इसमें एंड अभी मैं बहुत ज़्यादा नर्वस भी हूँ बिकॉज फॉर द फर्स्ट टाइम ये कलर यूज़ करने वाली हूँ एंड इस पर एक इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, हेयर कलरेंट कैन कॉज एलर्जिक रिएक्शन, एलर्जिक अलर्ट टेस्ट मस्ट बी डन 24 आवर बिफोर यूज़. तो इसका मतलब कि आप 24 घंटे पहले मतलब जब भी आप ये कलर यूज़ करते हैं उस कलर को यूज़ करने से पहले इट मीन्स कि 24 आवर पहले आपको इसको थोड़ा सा अप्लाई करना होगा ताकि आपके स्कैल्प में अगर आप अपर से अपने बाल को कलर करते हैं तो दैट विल एनी एलर्जिक फॉर्म एलर्जिक रिएक्शन और नॉट, या फिर अगर आप रूट पे मतलब कि लेंथ ऑफ हेयर पे करते हैं तो उससे हेयर फॉल हो रहा है या नहीं, इससे मतलब टेस्ट के लिए इसमें बहुत मतलब कि एक अलर्ट और इंस्ट्रक्शन के रूप में दिया हुआ है. तो मैंने 24 आवर इट मीन्स कि कल मैंने इसकी थोड़ी सी टेस्टिंग की थी, आई होप आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे, क्योंकि मैंने ज़्यादा नहीं किया था और मेरा शेड जो है वो लाइट ब्राउन है तो वैसा तो कुछ हेयर फॉल वगैरह नहीं हुआ मुझे. तो दैट्स व्हाई आई एम डिसाइडेड टू कलरिंग माय हेयर एंड क्रिएटिंग अ ब्लॉग फॉर ऑल ऑफ यू गाइस. एंड अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब माई चैनल. आई होप कि आप लोग मेरे वीडियो से बहुत ज़्यादा मतलब इंजॉय करते होंगे एंड मैं आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे वीडियोज़ क्रिएट कर पा रही होंगी. तो ये सारी चीज़ों को मैं पार्ट रखते हुए लेट्स बिगिन. सो गाइज बिफोर यूजिंग दिस गार्नियर कलर नेचुरल इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं. तो ये आपके बालों को बहुत ज़्यादा नरिश करेगा एंड शाइनी बनाएगा एंड इसकी जो कलर है वो ऑलमोस्ट 10 वीक तक रहेगी. इस पर लिखा हुआ है 10 वीक इंस्टेंट कलर, सो लेट्स ट्राई. तो इसके पैकेजेस के अंदर की अगर बात करें तो इसके पैकेज के अंदर आपको एक क्रीम कलरेंट मिलेगा जो कि इस टाइप में होगा, क्रीम हेयर कलरेंट जो कि 70 ml होता है एंड अलोंग विथ डेवलपर मिल्क जो कि 60 ml, हाँ 60 ml है डेवलपर मिल्क. इसमें एक डेवलपर मिल्क मिलेगा एंड उसके बाद एक पैकेज में इंस्ट्रक्शन और आई होप कि इसमें ग्लव्स भी होगा बिकॉज मैंने देखा था एंड पैकेज पे लिखा हुआ था इंस्ट्रक्शन के साथ. तो इसमें दो कंडीशनर एंड ये कंडीशनर जो है इस पूरे इंस्ट्रक्शन को मैंने कल रीड आउट किया था, इसमें लिखा हुआ था कि आपको किसी तरह की मतलब शैम्पू वगैरह ये सारी चीज़ें यूज़ नहीं करनी है, ओनली दिस कंडीशनर, आप इस कंडीशनर को यूज़ करके अपने हेयर कलर को वॉश करेंगे. तो ये दो कंडीशनर है इसमें जो कि पोस्ट कलर केयर है, पोस्ट कलर केयर कंडीशनर ये हो गया एंड एलॉन्ग विथ पेयर ऑफ ग्लव्स और इसमें जो है इंस्ट्रक्शन. तो मैंने बहुत सारा जो है वीडियोस वगैरह देखा था गाइस, सो मैं सारे वीडियोस में मुझे बताया कि बहुत लोग एल्युमिनियम का फॉइल वगैरह भी यूज़ करते हैं टू प्रिवेंट एनी टाइप ऑफ डैमेजेस वगैरह, बट इस इंस्ट्रक्शन में ऐसा कुछ लिखा नहीं था कि आप एल्युमिनियम की फिल्म वगैरह यूज़ कर सकते हैं अपने हेयर कलर के लिए, तो मैं उसको अवॉइड करूँगी. तो गाइज मेरे पास मतलब इस पैकेज में किसी तरह का ब्रश नहीं है बट आई हैव, तो मैं अपना ब्रश यूज़ करूँगी फॉर द मिक्सिंग कलर. तो सबसे पहले हम लोग इसमें ये कलरेंट जो है क्रीम इसको लेंगे. तो इसमें जो है लेंथ के अकॉर्डिंग लिखा हुआ है कि आपका मतलब कितना लेंथ है हेड का, क्योंकि इस इंस्ट्रक्शन पे फुली लिखा हुआ है अगर आपका फॉर फुल हेड मतलब है एक्स्ट्रा लॉन्ग हेयर तो आप पूरा ट्यूब यूज़ करेंगे एंड फॉर फुल हेड लॉन्ग हेयर के लिए 3x4 ट्यूब एंड फॉर फुल हेड शॉर्ट हेयर के लिए. तो आई थिंक मेरा शॉर्ट हेयर है बिकॉज मतलब आई हैव नो लॉन्ग हेयर, सो शॉर्ट हेयर के लिए 1x2
1/2 ट्यूब एंड बॉटल, एंड फॉर रूट टच के लिए हम लोग 1/4, तो आई थिंक टू गो विथ 1/2। एंड सेम हियर, यहाँ जो है डेवलपर में भी यहाँ दिखा हुआ है 1/2। आई होप यू कैन सी गाइस, 1/2 हेयर, वन सो 1/2 फॉर शॉर्ट हेयर। तो मेरे तो शॉर्ट हेयर है बिकॉज मैं अभी घर गई थी रिसेंट, तो मैंने अपने हेयर को कट करा दिया बिकॉज ऑफ समर, क्योंकि बहुत ज़्यादा लॉन्ग हेयर आई कॉन्ट टेक, बिकॉज उसका मेंटेनेंस वगैरह करना, प्रॉपर ऑयलिंग करना, प्रॉपर शैम्पू वगैरह करना, इट कॉन्ट बी पॉसिबल फॉर मी। सो दैट्स वाई आई कटिंग द ग्लास बॉल। तो ग्लास बॉल में सबसे पहले हेयर कलरेंट को ले लेते हैं। सो नाउ आई एम गोइंग टू एड डेवलपर मिल्क एंड 1/2 पार्ट। नाउ आई एम गोइंग टू यूज माई ग्लव्स बिकॉज वी हैव टू प्रोटेक्ट योर हैंड। आई डोंट नो अबाउट दैट कि मेरे हैंड को क्या रिएक्शन करेगा, दैट्स व्हाई आई एम वेयरिंग ग्लव्स। तो अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। आफ्टर मिक्सिंग सबसे पहले तो हम लोग हेयर को है दो सेक्शन में डिवाइड कर लेंगे ताकि हम लोग अच्छे से हेयर कलर को यूज़ कर सके। एंड आई एम ऑल्सो यूजिंग द कॉम्ब फॉर जितने भी हेयर मिक्सिंग हो गए हैं या फिर जो इधर उधर बाल छुलझ गए हैं उनको अच्छे से रिलीव करने के लिए। एंड नाउ आई एम सो मच स्कैर्ड बिकॉज दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम कि मैं अपने बालों को कलर कर रही हूँ, एंड आई एम सो मच नर्वस, बट आई विल डू एंड आई होप कि ये कलर मेरे ऊपर अच्छा लगे। गाइज मैंने हेयर कलर जो है अपना वो कंप्लीट कर लिया, एंड ऑल्सो मुझे पता है मैं बहुत ज़्यादा फनी लग रही होगी, बट उसके बाद मुझे एटलीस्ट अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन 30 मिनट्स तक वेट करना है, एंड देन उसके बाद विद द हेल्प ऑफ दिस कंडीशनर इसे वॉश करना है। तो वेट फॉर 30 मिनट्स। लोगों को एक चीज़ बताना भूल गई थी, जब भी आप हेयर कलर करें तो आप वैसलीन पेट्रोलियम जेली जो है अपनी फेस पे एंड नेक एरिया में लगा लें, दैट विल बी इजीली रिमूव योर हेयर कलर। अगर आपके सराउंडिंग में कभी भी कोई मतलब कलर लग जाता है तो उसको इजीली रिमूव करने में हेल्प करेगा। एंड मेरा जो है अप्रोक्स 45 मिनट्स हो गए हैं हेयर कलर को किए हुए, तो मैं अब जा रही हूँ उसे वॉश करने, एंड उसके बाद आपसे मिलती हूँ आफ्टर वॉश। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। गाइज एज यू कैन सी मेरी जो हेयर कलर है वो बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही है, एंड ये सनलाइट में बहुत अच्छी तरह शाइन कर रही है। एंड ये मैं हल्का सा लाइट ब्राउन शेड अपने हेयर पे यूज़ की हूँ, एंड फॉर अ बिगनर इजीली अपने घर पे खुद से भी अपने बालों को हेयर कलर कर सकते हैं, एंड आई लव इट सो मच। एंड आप अगर रूम में रहते तो इट डज़ नॉट ईजिली विजिबल, मैं जब भी सनलाइट में जा रही हूँ इट्स रियली शाइनिंग, एंड बहुत ही ज़्यादा इसका प्यारा इफ़ेक्ट आ रहा है मेरे बालों में। तो आप जैसे देख सकते हैं हल्का सा ब्राउनिश, लाइट ब्राउनिश कलर का मेरा हेयर हो गया है, एंड आई होप कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो। एंड अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब माई चैनल, ताकि आप मेरे नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल सके। एंड आई होप यू लाइक इट, एंड थैंक यू सो मच गाइज़।